गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड थर्ड, आई एम योर इंग्लिश टीचर खुशी दादीच एंड टूडे वी विल कंटिन्यू विथ कंजंक्शन ओनली. ओके, बट यू हैव टू टेक आउट पेज नंबर 19. ओके, पेज नंबर 19. मेंशन टूडेज डेट. टूडेज डेट इज 3/11/20. ओके, कंजंक्शन वी हैव सीन. कंजंक्शंस आर नन अदर देन दी जॉइनिंग वर्ड्स. दे आर नोन एज जॉइनिंग वर्ड्स. जो दो सेंटेंस दो वर्ड्स को जॉइन करते हैं. वी हैव स्टडीड द कंजंक्शन एंड बट और बिकॉज. ये चार कंजंक्शन हमने पढ़े. रिलेटेड टू दैट सम सेंटेंसेज हैज बिन गिवन हियर. यू हैव टू जॉइन द सेंटेंसेज यूजिंग दैट कंजंक्शन. सो द क्वेश्चन इज लाइक जॉइन दीज pair of sentences using correct conjunctions and rewrite them. ये pair of sentences दिया हुआ. pair means two sentences has been given. okay, pair of sentences has been given. you have to join them and rewrite with correct conjunction. first of all see what sentence has been given here. he threw a stone. full stop. he broke a window. he two times he is there, so no need to write again cross here. he threw a stone and broke a window. उसने पत्थर फेंका और क्या तोड़ दी. विंडो तोड़ दी. then how will you write. he threw a stone एंड हमने क्या लगाया. एंड हमने देखो सेवरल टाइम्स ही आया. हमने सेकेंड टाइम कट कर दिया. एंड ब्रोक अ विंडो. क्लियर है एवरीवन. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेंटेंस. वी हैव डन दिस. आई हैव गिवन अ फुल स्टॉप आल्सो. क्लियर है. नेक्स्ट सेंटेंस यू सी. ही टूक ऑफ हिज कोट. ही वेंट टू बेड. He took off his coat. उसने अपना कोट उतारा and went to bed. Again here you will use and. He को cross कर दिया हमने. He took off his coat and went to bed. To bed. क्लियर है एवरी वन. ओके, दिस टू सेंटेंसेज हैव डन. दिस थ्री सेंटेंसेज यू विल डू. वन टू एंड थ्री. रिमेनिंग थ्री यू विल डू. ओके, अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल एंड देन डू इट. ओके, जस्ट यू हैव टू डू एंड बट और बिकॉज. दिस कंजंक्शन वर्ड्स यू हैव टू यूज टू री राइट दिस सेंटेंस टू जॉइन दिस सेंटेंस. क्लियर है everyone. okay, thank you. you will get the yesterday's work also. yesterday I have given to fill up this conjunction with correct conjunction. I will give you by worksheet that what is the correct answer. okay, thank you.